चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एल्बम को करते हुए। और बहुत बढ़िया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। क्योंकि जैसा कहते हैं कि आप सपनों की दुनिया में रहते हैं, जब आपका सपना हकीकत होता है वो खुशी आपके चेहरे पर नज़र आती है। तो जब मुझे वीनस से कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक वीडियो बना रहे हैं हम और बाबुल सुप्रियो गाना गाने वाले हैं, तो वो मेलेडी आपके दिमाग में सबसे पहले आती है कि एक रोमांटिक सॉन्ग होगा, एक अच्छा लव सॉन्ग होगा। और खोया हूँ मैं, जैसे टाइटल बताते हैं वाकई में खो जाते हैं, और मैं भी खो गई थी गाना सुनकर। फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मेरा लुक टेस्ट लिया, और लुक टेस्ट के बाद में उन्होंने फाइनल किया कि ओके आई एम द ड्रीम गर्ल। फिर हमने शूट बहुत खूबसूरती से किया, देयर इज दिस लोकेशन कॉल्ड साइलेंट रिजॉर्ट, वहाँ पर हमने शूट भी बहुत अच्छे से किया है। और एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात करें, इट वाज अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस, क्योंकि बाबुल जी जितने बड़े इंसान हैं, यू नो वो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ और इतने हम्बल इंसान हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप इतनी बड़ी हस्ती के साथ शूट कर रहे हैं। और जितने भी मेरे कॉम्बिनेशन सीन्स थे उनके साथ में, मैंने काफ़ी कुछ उनसे अच्छी बातें सीखी। एल्बम के हर एक फ्रेम को अगर देखा जाए जी, उसमें आप काफ़ी खूबसूरत और आपके एक्सप्रेशन भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं जी, आपने सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया? मैनेज करना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं बचपन से मैंने डांस सीखा हुआ है, आई एम अ ट्रेन कथक डांसर। और मेरा ये जब वीडियो फर्स्ट मुझे ऑफर किया था, तो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड और आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेलोडियस सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। तो जब ये सॉन्ग मुझे ऑफ़र किया गया था, तो कथक के जितने एक्सप्रेशंस थे मुझे वो सारे याद आने लगे बैक ऑफ द माइंड। तो वही सब मैंने स्क्रीन पर दिखाने की काफ़ी कोशिश की और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और आज ये इतना सुपर सक्सेसफुल हो रहा है वीडियो। आई एम वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड अबाउट इट। और अब आगे की प्लानिंग के लिए मैं वही सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा पेपी डांस सॉन्ग करूँ, जैसे मेरे जितने भी डांसिंग स्किल्स हैं आई कैन शो टू माई ऑडियंस। अच्छा, आजकल के ज़माने में देखा जाता है बहुत सारे कमर्शियल एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, मेलेडी आजकल काफ़ी कम यूज़ किया जाता है जी। तो आप मेलेडी और जो दूसरे कमर्शियल एलिमेंट सॉन्ग्स है, जैसे पेपी सॉन्ग्स हो गए, क्या डिफरेंस आप देखती हैं दोनों में काम करने के हिसाब से? पेपी सॉन्ग्स जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सिर्फ आप डिस्कोथेक तक जाते हैं, पब्स में आप सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, घर आकर फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो सूदिंग सॉन्ग्स ही आपको याद आते हैं। तो ये एक ट्रेंड सेटर हमने सेट किया हुआ है, और लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि काफ़ी सारे रॉन्ची पेपी स्पाइसी सॉन्ग्स के बाद एक कोई एक रोमांटिक सॉन्ग आया है, जिसे लोग काफ़ी यू नो पसंद कर रहे हैं कि आप जब सोते हैं या आप अपने लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, अपने पार्टनर को मिस करते हैं, तो आप ऐसे सब सॉन्ग्स के बारे में सोचते हैं। सो आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम एवरीवेयर। कोई मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के दौरान, जब आपको कोई भी वाक्य आपको याद आता हो? नहीं, वाक्या तो काफ़ी सारे खूबसूरत चीज़ें हुई शूटिंग के दौरान, राइट फ्रॉम द फर्स्ट शॉट ऑफ माय वायलिन, उसके बाद में जब हमारा एंड का जो फायर वाला शॉट था, तो काफ़ी यू नो उसके लिए एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मैंने फायर के साथ में कभी काम नहीं किया है, तो दैट फायर सीक्वेंस वॉज थ्रिलिंग एंड वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। तो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड नाइस एक्सपीरियंस। एक शॉट था जिसमें मैं कैंडल्स के बीच में लेटी हुई हूँ और वो कैमरा पूरा पैन होता है, तो इट्स वेरी ब्यूटिफुली शॉट। और बीच में जब बाबुल जी मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो पूरा बहुत अच्छे से और खूबसूरती से यू नो एक ड्रीम सीक्वेंस के थ्रू उन्होंने दिखाया है। शूटिंग के दौरान जो कैमरामैन हो गए, डायरेक्टर हो गए, उनके साथ आपका कोऑपरेशन कैसा रहा? क्योंकि मैं देखा जाए हाई एंगल शॉट है जी, मिडल शॉट है, लो शॉट्स है, तो कैसे आपने पूरा कोऑपरेट किया कैमरामैन के साथ? क्योंकि काफ़ी अजीब जो देखा जाए ना, काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से पूरा फ्रेम दिखाई दे रहा है जी। जब ये गाना मुझे ऑफ़र किया गया था, तो शॉट बाय शॉट इन्होंने इतना होमवर्क करके रखा हुआ था मेरे डायरेक्टर्स ने, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था कि अच्छा ये लो एंगल्स होंगे ज्योति, या टॉप एंगल होगा। लेकिन मतलब वो जो टॉप एंगल था वहाँ पकड़ के मुझे लिटरली लेके जा रहे थे, और एक दो बार मैं स्लिप भी हो रही थी वहाँ पे। और जब पैकअप वो शॉट का हुआ, तो पता चला वहाँ से एक कुछ स्नेक भी निकल के आया है। तो इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस कि जहाँ पर मैं लेटी हुई थी, 2 मिनट बाद वहाँ से सांप भी जा रहा था। तो हमने वो भी शूट किया था, लेकिन जैसे सॉन्ग में हम दिखा नहीं सकते थे, तो वो काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स भी हुए साथ में। बट जब कैमरे की बात करें, तो रवि जो हमारे कैमरामैन थे, वो इतने बड़े नाम ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे खूबसूरत और सुंदर दिखाया है जी। फ्यूचर प्लान, अभी तो ये सक्सेस को ही मैं सिंगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी बाहर दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छे काम आ रहे हैं, तो आई एम वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट्स राइट नाउ, सुन रही हूँ स्क्रिप्ट्स,
तो जल्दी ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको दूंगी और आपको इंटरव्यू के लिए वापस बुलाऊंगी और यहीं पर अनाउंस करूंगी व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट. व्हाट यू से अबाउट योर ऑडियंस? आई वुड लव टू से माई ऑडियंस कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग माई सॉन्ग एंड जस्ट आप ये सक्सेस मेरे साथ शेयर करते रहिए इंटरव्यू के थ्रू, और मैं ऐसे ही अच्छा काम करते रहूँ, आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें. थैंक यू. थैंक यू.